हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाश कुमार, बाई प्रोफेशनल ट्रेनर, ड्राइविंग स्कूल विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ। हेलो, आप सब कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और कूल होंगे। जैसे कि आज फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अभी मेरे साथ में एक नए स्टूडेंट हैं जो कि मैडम है। मैम, आगे स्लैब जाएंगे हम लोग। जो कि मेरे साथ में नई स्टूडेंट हैं, मैडम हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं ये ट्रैफिक में, बड़े रास्ते पे, इंटरनेशनल हाईवे पे कार को चलाने और प्रैक्टिस करने को मांगती है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो हम बात करेंगे अपने स्टूडेंट से, जानते हैं और आप सब भी जाने इनका क्या नाम है, कहाँ से ड्राइविंग सीखने आती हैं, आज इनका कौन सा डे है, कौन से डे में कितना कंट्रोल इनको आया, कैसा कॉन्फिडेंस है, मेरा सिखाने का तरीका कैसा इनको लगा, सही या गलत। ठीक है, इनकी भी बात रखें। उसके बाद हम आप सभी को बताएंगे कि दोस्तों हमें कैसे कार को रास्ते पे चलाना चाहिए, रास्ते पे कार को चलाते वक्त हमें कैसे अंदाज करना कि हमारा टायर राइट वाला और लेफ्ट वाला किस जगह पे किस स्थिति में चल रहा है, और हमें कौन सी स्पीड में कौन सा गियर होना चाहिए, कौन से गियर पे कौन सी स्पीड रखनी चाहिए। दोस्तों पहले तो हम बात करेंगे, उसके बाद हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें, ताकि आप डेली एक नई वीडियोस ऐसे देखते रहें और कार को लेकर के, जैसे कि सेकंड हैंड कार, मैकेनिक वर्क, कार को चलाना सीखना, प्रैक्टिस करना, सारी चीज़ें आप जान सकते हो मेरे YouTube चैनल से। ठीक है, पहले आइए हम बात करते हैं अपने स्टूडेंट से। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। क्या नाम मैम आपका? प्रवांशी जी। आप कहाँ से ड्राइविंग सीखने मेरे पास आते हैं? गोमती नगर से आते हैं आप ड्राइविंग सीखने के लिए। गट आज आपका कौन सा डे अभी ड्राइविंग सीखते मेरे साथ में हो गया मैम? आज आपका थर्ड डे है। गट, ठीक है, तो अभी थर्ड डे में आपने क्या क्या चीज़ें मेरे से सीखी है, मैंने अभी आपको क्या क्या चीज़ें सिखा दी हैं? गाड़ी कंट्रोल रखना, ठीक है, ट्रैफिक पे चलाना, ठीक है, ठीक है, मैनेज करना, बेसिकली गाड़ी को कंट्रोल करना। मैंने आपको सारी चीज़ें, मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दिया है, एक्सीलेटर कैसे यूज करता है, ब्रेक कैसे होता है, कौन सा पैर गट सफेद कब शिफ्ट करना है, कहाँ कैसे रखना है, इनफैक्ट गट, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका तीसरा दिन है, तीसरे दिन में आपने अभी कौन कौन से गियर पे चलाई है मैम कार को अपनी? फर्स्ट सेकंड चलाई है। अभी थोड़ा सा आपने ड्राइविंग में भी लेके आया हुआ, अभी थोड़ा सा फिर यहाँ पे खाली रास्ता मिल गया, आगे चल के फिर थोड़ा सा आपको ये बिजी रास्ता ट्रैफिक वाला मिलेगा, स्पीड कम और हल्का सा कम, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो ध्यान था थोड़ा सा भटकना जिसको कहते हैं ना, थोड़ा सा मतलब कई जगह ध्यान लगा आपका, कोई नहीं, ध्यान देना आपको रास्ते पे, आगे का रास्ता कैसा है, उसकी सिचुएशन में उसकी स्पीड आपकी रखनी चाहिएगा, ठीक है, बढ़िया हल्का का स्पीड। पुरानी जी, अभी आप कौन से गियर पे कार को चला रहे हो? सेकंड गियर पे चला रहे हो। सेकंड गियर पे कितनी स्पीड रखना होता है? 20 से 25, 30 तक, मैक्सिमम 30 तक, 30 से ऊपर नहीं जाते, 30 के आसपास हम लोग थर्ड गियर यूज कर लेते हैं, गट, ठीक है। तो अभी प्रवासी जी, आपके पास कौन सी अपनी कार है? सनी निशान की है, गट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अभी जब आप अपनी कार चलाना स्टार्ट किया मेरे साथ में, सॉरी मेरी कार आपने चलाना स्टार्ट किया फर्स्ट डे दो दिन पहले, तो आपने उससे पहले कभी ड्राइविंग सीट पर बैठ करके आपने कोशिश की थी चलाने की? कैसे चलाई, कब चलाई? पहले मैं चलाती थी, ओके, चलाते थे, ठीक है, और फिर बीच में प्रैक्टिस बिल्कुल ही 4-5 साल नहीं चलाई है, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो अभी आपको क्या लग रहा है तीसरे दिन पे? अभी आउट ऑफ 10 इफ आई रेट मे बी 3 or 4 एंड आई वाज एट 0, अभी 4-3 पे है, ओके, गुड। निसान मैंने चलाई है, थोड़े से कंट्रोल्स ऑब्वियसली उसके डिफरेंट होते हैं, गाड़ी पिकअप बहुत ज्यादा जल्दी लेती है, कौन सी कार है? अल्टो, मैंने आपको बताया होगा, अल्टो पावर शेयरिंग है, पावर ब्रेक है, 800 cc का इसका इंजन होता है, ठीक है। तो अभी आप मेरे पास 3 दिन से सीख रहे हो, जैसे कि आप सीख रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ में, 2 लाइन क्या उसके बारे में आप बोलना चाहेंगे? गुड एक्सपीरियंस, कंफर्टेबल है, सिर्फ वीडियो के सामने या नहीं, ओवरऑल बोल रही हूँ, ओके, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने अभी देखा, आपने बात किया, मेरे स्टूडेंट से प्रवांशी जी हैं, ये गोमती नगर से ड्राइविंग सीखने आते हैं। मैडम, आपने कैसे मुझे सर्च किया, कैसे आप मेरा कॉन्टेक्ट मिला आपको? ये पापा ने ऑनलाइन ही सर्च
ओके, तो पापा ने किया होगा तो आपको तो नहीं पता होगा उन्होंने ऑनलाइन कैसे सर्च किया है। चलो कोई नहीं, तो जैसे कि आपने अभी देखा प्रांशी जी जो मेरी स्टूडेंट है बहुत ही एक्साइटेड थी ड्राइविंग को लेकर के, इन्होंने पहले चलाई है शायद 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन जो भी चलाई हो किसी के साथ में फ्रेंड या कैसे, इन्होंने ड्राइविंग सीखी भी थी बट इन्होंने 5 से 6 साल ब्रेक कर दिया, उसके बाद अब फिर से मेरे से सीख रहे हैं। तो दोस्तों जब ये पहले दिन आए थे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनको कुछ चीज़ें पता थी बट ज़्यादा इनको नहीं था, इनका सबसे ज़्यादा तो था डर, सबसे ज़्यादा इनका डर था। तो अभी इनका डर निकला हुआ है ठीक है, और हम लोग कोशिश करते हैं चलाने की ठीक है, कि डर निकले बड़े रास्ते पे हम लोग जाएंगे, डेली हम लोग रास्ते भी चेंज कर रहे हैं साथ में ठीक है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शहीद पथ पे, अभी हम लोग पूरा गोमती नगर ये सारा स्मॉल घूम करके आए हैं, पूरा ट्रैफिक में बेस्ट ट्रैफिक था क्योंकि जो सुबह 9 बजे का और 10 बजे का जो ट्रैफिक होता है ऑफिस टाइम होता है तो ज़्यादा ही होता है ठीक है। तो अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जनेश्वर होते हुए और शहीद पथ पे जाएंगे ठीक है। तो अब मैम यहाँ से हम लोग यू टर्न करेंगे, यू टर्न करना है बट सिग्नल नहीं देना है, एक्चुअली मेरी कार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही सिग्नल देने में, तो आपको सिग्नल नहीं देना और ब्रेक पे पैर रख लेंगे, हर एक टर्निंग पे ब्रेक पे पैर, इस गोल चक्कर को घुमा करके, इस गोल चक्कर की गलत बात है, कोई नहीं गोल चक्कर ले करके कोई बात नहीं, आपको लगा कि गोल चक्कर नहीं है आगे उसका रास्ता नहीं इसलिए है ना, कोई नहीं घुमा हो गलत और घुमा गलत, आप सीधा करो वापस हल्का सा गोल चक्कर लेकर के यू टर्न मतलब है ना, पूरा गोल चक्कर लेकर जाओ धीरे धीरे, वो सीधा रास्ता आपका मिल गया आराम से और सीधे जाना है स्ट्रेट आपको, और सब फिर से आपको राइट साइड पर कर लेना है, बस आपको देखना है कि आपको डिवाइडर लाइन पे आगे एक कट है छोटा सा, वहाँ से लोग निकल रहे हैं स्पीड में, उनको आपको फॉलो करना है, देखना है, अलर्ट रहना है, और अब आपको सीधे जाना है आगे चल करके हम लोग लेफ्ट में टर्न करेंगे, तो छोटा सा कट आता है पहले से ध्यान देते हैं वहाँ पे ठीक है, सीधे जाना है ऊपर चढ़ने के बाद हम लोग लेफ्ट टर्न करेंगे ठीक है। आगे से हम लोग लेफ्ट जाएंगे ठीक है, तो आपको बैक मिरर में देखना है ठीक है, और आपको लेफ्ट मिरर में तो जरूर देखना क्योंकि आपको लेफ्ट टर्न करना, तो किसी भी साइड आपको टर्न करना था तो उस साइड में जरूर देखते हैं कि पीछे से कोई आ नहीं रहा, और फिर टर्निंग पे हम लोग ब्रेक पे पैर रख लेते हैं जैसे कि आपने अभी रख लिया है ठीक है, और फिर टर्निंग करते हैं उतना स्ट्रिंग टर्न करते हैं जितना की जरूरत होता है, फिर वापस उतना करते हैं जितना कि आपने टर्न किया था गुड, अभी सीधा करो हल्का हल्का, अब पूरा सीधा करो फिर टर्न करना पड़ेगा, अभी पूरा मत सीधा करो अभी रोक के रखो, अब सीधा करो हल्का हल्का, अब एक्सलेट करो हल्का हल्का, अब बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड बढ़ाओ हल्का हल्का गुड, और आपको एक साइड पकड़ के रखनी है कभी भी आपको स्ट्रिंग नहीं घुमानी होगी मैम गुड ठीक है, और बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड को थोड़ा सा मेंटेन करो, फिर हम लोग कोशिश करेंगे थर्ड गियर के चलाने के लिए ठीक है, थोड़ा सा चलाएंगे थर्ड गियर पे, अभी एक्सलेट छोड़ो मैम क्लेच दबाओ और थर्ड गियर लगा लो, क्लेच दबा के सीधा आगे स्ट्रेट लग गया, छोड़ो मैम क्लेच गुड बहुत बढ़िया, अब बढ़ाओ जैसे कि आपने थर्ड गियर अभी लगाया, जो आपने थर्ड गियर लगाया तो वो उसको आपने क्लेच दबा करके ही लगाया होगा ना मैम, क्योंकि कोई भी गियर क्लेच के बिना नहीं लगता है ठीक है, जैसे कि आप एक्सलेटर के बिना आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी वैसे क्लच के बिना आपका गियर नहीं लगेगा, तो आपने थर्ड गियर लगा लिया, थर्ड गियर की अब आपको जो स्पीड है 40 रखना होगा, 40-45 तक ले जा सकते हो आप थर्ड गियर पे स्पीड ठीक है, तो बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड, स्पीड को मेंटेन करो ठीक है, और आपकी कार ज़्यादा राइट लेफ्ट नहीं जानी चाहिए, एक साइड में चलनी चाहिए, और आपको राइट साइड का डिवाइडर लाइन भी ध्यान देना है ठीक है, कि उसी साइड में चलते जाए डिवाइडर लाइन पकड़ के चलना है आपको, और लेफ्ट साइड में जो आपके बीच में वाइट पट्टी बनी है मतलब कि आपके लेफ्ट में रास्ते के बीच में बनी हुई है उसको आपको पार नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है ठीक है, चलो और बढ़ाते जाओ हल्का हल्का स्पीड गुड है ना, ये अभी आप चला रहे हो थर्ड गियर में, जब भी कभी हम लोग स्लो या फिर स्पीड या छोटे या बड़े रास्ते पर कार को चलाते हैं तो बहुत ही स्मूथ स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ते हैं ठीक है, बढ़ाओ हल्का हल्का स्पीड आगे चल करके, अभी हम लोग शहीद पथ पे आ जाएंगे गट, थोड़ा सा ट्रैफिक वहाँ पे मिलेगा गट, थोड़ी सी आपकी स्टिंग अभी हिल रही है ना, इसको भी कंट्रोल करो गट,
अपने रास्ते के अंदर गट। गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे छोटा सा टर्निंग होगा वहाँ पे, ध्यान। वैसे कोई आ नहीं रहा है, आपको पूरा रास्ता क्लियर दिख रहा है वहाँ तक, तो कोई आ नहीं रहा है तो कोई मतलब भी नहीं है। अगर नहीं दिखता है रास्ता आगे का, कि आगे कट है या नहीं दिख रहा, झाड़ियाँ लगी हैं, पेड़ लगे पड़े हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना होता है। कट बढ़िया।